निज धाम वासी बाबा जयगुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत सदगुरु मुर्शिदे कामिल स्पिरिचुअल मास्टर परम दयालु त्रिकालदर्शी दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा मकान जी महाराज ने 20 मई 2023 प्रातः उज्जैन आश्रम मध्य प्रदेश में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जयगुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। सुबह 6 से 8 बजे के बीच अपने अपने घरों पर सफेद कपड़े पर लाल रंग से जय गुरुदेव लिखा हुआ झंडा फहराएंगे। फिर दिन में अपना ध्यान भजन सत्संग ये सब करेंगे। दोपहर में फिर भोजन करते हैं। कर्मों को काटने के लिए समय समय पर सेवा का उपाय बताया जाता है। तो आप 23 मार्च से 5 अप्रैल तक ये विशेष अभियान चलाओ। अपनी अपनी योजना बनाकर सरकारी नियम का पालन करते हुए लोगों को रिझा समझाकर हाथ जोड़कर मनाना है। सहकारी बनाओ, सत्संग की बातों को समझाओ ताकि वो भी काल के झकोले में बच जाए। उसके लिए नहीं अपने लिए करना है, अपने कर्म काटने हैं। कोशिश करो सबके घर पर जय गुरुदेव का झंडा और दरवाजों पर जय गुरुदेव लिखने में आ जाए। जो जय गुरुदेव झंडे का दर्शन करेगा, जय गुरुदेव लिखे नाम को पढ़ेगा, उसे भी फायदा होगा। देखो जितने भी नए और पुराने प्रेमी आप लोग समझो कि एक पखवारा ही है। पूरा अनि गुरु के कार्य में करने में अनि लगाओ। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप गृहस्थी छोड़ दो, आप अपना बिजनेस बंद कर दो, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, खेती का काम बंद कर दो, मजदूरी बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दो, ये हम नहीं कहते। लेकिन इसमें से भी समय निकालो। पूरा समय आप इसी में देते हो, खेती में, गृहस्थी में, नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई में, मजदूरी में, आप जो समय देते हो उसी में से समय निकालो और मुक्ति लोगों को दिलाने का काम करो, भक्ति गुरु भक्ति लोगों के अंदर भरने का काम करो। इसकी सब लोग आप लोग बना लो योजना, और योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। योजना बनाओ। यहाँ बड़ी संगतें हैं, काफी सत्संगी हैं, उन क्षेत्रों में जहां जहां गांव में सत्संगी हैं उनको जिम्मेदारियां आप इसकी दे दो। प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको दे दो, उनको काम सौंप दो कि भाई इतने गांव में आपको फेरियां निकालनी है, पर्चा बांटना है, प्रचार करना है, भक्ति मुक्ति के बारे में बताना है लोगों को। यानी समझो सारी बातों को जो सत्संगों में आपने सुना है बताया जाता है उसको वो लोग अपने अपने तौर तरीके से ही लोगों को बतावें और समझावें। लोगों के इस मनुष्य शरीर के बारे में बताऊं, ये लोग गंदा न करें, पशुओं के पक्षियों के यानी मोटा मांस को डाल करके गंदा न करें, इसको लोग साफ सुथरा रखें। ऐसा कोई काम न करें कि मानवता खत्म हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, दिमाग ही न काम करे, ऐसे कोई नशे की चीजों सेवन न करें। इन सब बातों को बताऊं, लोग अपने अपने तौर तरीके से लोगों को समझावें। तो ये जहां बड़ी संगठन है उस तरह से आप लोग योजना बनवा दीजिए। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हो या जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हो या यूट्यूब पर जो लोग सुनो, आप जितने भी प्रेमी हो आप लोग सब योजना अपनी बना लो और ये कार्यक्रम आप चलाओ। 22 तारीख को गुड़ी पड़वा है, शुभ दिन माना जाता है, नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो 22 तारीख तक आप लोग योजना बना लो और 23 से अभियान आप चलाओ। 30 तारीख को तो नियम के अनुसार 8 दिन घरों पर झंडा लगाने के बाद उतार दिया जाएगा, लेकिन यह कार्यक्रम 5 अप्रैल तक आप लोग लगातार चला दो। आप थोड़ा और बढ़ा दो प्रचार प्रसार का अभियान और इसमें तेजी लाने का, समझो कि जिससे लोग कलयुग के झकोले से बच जाए, सतयुग देखने का आनंद ले ले, सतयुग के लायक बन जाए, इसके लिए आप थोड़ा सब लोग समय बढ़ा दो। आप